हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेसेस इन सोशियोलॉजी। इन द अर्लियर बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी यू हैव सीन द लिमिटेशंस ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज। अभी हमारी जो पहली बुक थी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसमें हमने जाना कि जो कॉमन सेंस की नॉलेज होती है उसकी कितनी सारी सीमाएं। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कॉमन सेंस नॉलेज इज नेसेसरली फॉल्स, बट दैट इट इज अनएग्जामिन्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड। समस्या ये नहीं है कि कॉमन सेंस जो नॉलेज है वो गलत है, बल्कि उसको ज्यादा जांचा नहीं गया है और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड है एक तरह से। बाय कंट्रास्ट द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट्स नथिंग एज अ गिवन। वहीं अगर उसके विपरीत सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है वो सवाल हर एक पे पूछता है और एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करता है जैसा दिया हुआ है। इट वुड देयरफॉर नॉट रेस्ट कंटेंट विद एन एक्सप्लेनेशन व्हिच सजेस्ट that human compete or cooperate or conflict as the case may be because it is human nature to do so। इसीलिए वो जो है इस जवाब से एक तरह से संतुष्ट नहीं है, रुकेगा नहीं, जो ये बताता है कि जो humans हैं वो एक दूसरे से compete करते हैं, cooperate करते हैं या conflict करते हैं, क्योंकि ये human nature होता है। The assumption behind such explanations is that there is something intrinsic or universal in human nature that account for these processes। यहाँ पर जो अजम्पशन लगाया जा रहा है इन एक्सप्लेनेशंस के पीछे वो ये है कि नहीं, इंसान का जो नेचर है उसके अंदर कुछ ऐसा इंट्रिंसिक या यूनिवर्सल है जो इन प्रक्रियाओं के लिए कारण है। हाउएवर एज वी हैव सीन अर्लियर सोशियोलॉजी इज नॉट सेटिस्फाइड विद आइदर साइकोलॉजिकल और नेचुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आप जैसा हमने पहले देखा कि सोशियोलॉजी जो है उसको तसल्ली नहीं होती, आप साइकोलॉजिकल या नेचुरलिस्ट तौर पे जो एक्सप्लेनेशंस है उनको अगर देने की कोशिश करो, इसके बारे में आप 7th या 8th पेज जो है आपका इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी का उसमें आप पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन दीज प्रोसेसेस ऑफ कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है इस चीज़ को समझाना चाहती है जो प्रक्रिया है कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट की, एक्चुअल जैसा सोशल स्ट्रक्चर है समाज का उसके टर्म्स में वो उसे समझाना चाहते हैं। इन इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी वी डिस्कस्ड हाउ देयर आर डिफरेंसेस एंड प्लूरल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सोसाइटी। अभी इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है डिफरेंसेस हैं और बहुत सारी समझ है सोसाइटी को लेकर। वी सॉ हाउ फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स perspectives varied in their understanding of different institutions, be it the family, the economy or social stratification and social control। हमने देखा कि जिस तरह से functionalist हैं या जो एक conflict के जो नजरिए हैं वो काफी हद तक different हैं इस समझ को लेकर जो अलग अलग institutions के बारे में है, चाहे वो family हो, economy हो या social stratification और social control हो। Not surprisingly therefore these two perspectives seek to understand these possibilities are differently। अब इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि ये जो नजरिए हैं दोनों, इनको समझने के लिए इन प्रोसेसेस को जो है थोड़ा सा अलग से समझना जरूरी है। जैसे कि बट बोथ कार्ल मार्क्स एसोसिएटेड विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड एमिली ड्यूर्केम यूजुअली आइडेंटिफाइड विद द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव प्रिज्यूम दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव टू कोऑपरेट टू मीट देयर बेसिक नीड्स एंड टू प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एट देयर वर्ल्ड। दोनों ही, चाहे कार्ल मार्क्स हो जो कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं और एमिली ड्यूर्केम जो कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को से पहचानी जाती हैं, उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक दूसरे से सहयोग करते हैं ताकि उनके जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, रिप्रोड्यूस किया जा सके अपने को अंदर, अपने को और दुनिया को। द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस हाउ दीज फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन चेंज फ्रॉम वन हिस्टोरिकल सोसाइटी टू अनदर। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हैं ये एक तरह से जोर देते हैं कि किस तरह से ये जो कोऑपरेशन की फॉर्म्स हैं ये चेंज होती हैं एक हिस्टोरिकल सोसाइटी से दूसरे में। फॉर इंस्टेंस इट वुड रिकॉग्नाइज दैट इन सिंपल सोसाइटीज वेयर नो सरप्लस वाज प्रोड्यूस्ड देयर वर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हु वर नॉट डिवाइडेड इन क्लास और कास्ट और रेस लाइन्स। अब जैसे जो साधारण से सिंपल से समाज होते हैं जहाँ बहुत आयत में पैदावार नहीं होती, वहाँ आपस में इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑपरेशन होता है या ग्रुप्स के बीच में एक कोऑपरेशन होता है, क्योंकि वो जो है क्लास या कास्ट या रेस लाइंस के आधार पर डिवाइडेड नहीं होते। बट इन सोसाइटीज वेयर सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड वेदर फ्यूडल और कैपिटलिस्ट द डोमिनेंट क्लास एप्रोप्रिएट्स द सरप्लस एंड कोऑपरेशन वुड नेसेसरली इन्वॉल्व पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन। अब वहीं पर उन सोसाइटीज में जहाँ बहुतायत में पैदावार होती है, चाहे वो फ्यूडल हो या कैपिटलिस्ट हो, जो डोमिनेंट क्लास होती हैं
वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सरप्लस उनके पास हो। और कोऑपरेशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें जरूरी है एक लड़ाई भी होगी कहीं और एक साथ में कंपटीशन भी होगा। द कॉन्फ्लिक्ट व्यू दस एम्फेसाइजेस दैट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड डिफरेंटली एंड अनइक्वली विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या दिखाता है कि यह कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से देखता है कि जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो समाज में अनइक्वल तौर पे और अलग अलग तौर पे जो हमारा सिस्टम है प्रोडक्शन रिलेशंस का उसके अंदर उनको रखा गया है। दस द फैक्ट्री ओनर एंड द फैक्ट्री वर्कर डू कॉपरेट इन देयर एवरीडे वर्क बट अ सर्टन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वुड डिफाइन द रिलेशनशिप। अब एक फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री वर्कर जो हैं रोज के जो काम है उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन एक कहीं हद तक इंटरेस्ट को लेकर जो है मतभेद होता है जो उनके रिलेशनशिप को दर्शाता है। द अंडरस्टैंडिंग दैट इन्फॉर्म्स द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इज दैट इन सोसाइटीज डिवाइडेड बाई कास्ट और क्लास और पेट्रियार्की सम ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। आप ये जो समझ है जो हमें ये बताती है जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है सोसाइटी के अंदर वो कैसे हमें समझ में आ रहा है कि जो सोसाइटीज हैं वो कास्ट क्लास या पेट्रियार्की के आधार पर विभाजित हैं या कुछ ग्रुप्स जो हैं वो डिसएडवांटेज हैं और डिस्क्रिमिनेटेड हैं औरों के मुकाबले। फर्दर मोर द डोमिनेंट ग्रुप सस्टेन दिस अनइक्वल ऑर्डर बाय द सीरीज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड ऑफन कोएर्शन और इवन वायलेंस। जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं वो इस असमान जो ऑर्डर है इसको जो है सस्टेन करते हैं अपने कल्चरल नॉर्म्स के कारण या कई बार जो है इवन कोएर्शन या वायलेंस के कारण। एज यू विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इट इज नॉट दैट द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव फेल टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ सच नॉर्म्स और सैंक्शंस। अभी आप अगले कुछ पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरह से फेल हो गया है इस चीज़ को अप्रिशिएट करने में जो इन नॉर्म्स या सैंक्शंस का रोल है उसको। बट इट अंडरस्टैंड्स देयर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी एज अ होल एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ द डोमिनेंट सेक्शंस हु कंट्रोल सोसाइटी। ये जो है इनके जो फंक्शंस हैं इनको इस तरीके से समझ रहा है कि इनका जो फंक्शंस हैं सोसाइटी में वो पूरे तौर पे है, ऐसा नहीं है कि कुछ डोमिनेंट सेक्शंस के लिए ही है जो इस सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज मेनली कंसर्न विद द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी सर्टन फंक्शनल इम्पेरेटिव्स फंक्शनल रिक्वेस्ट्स एंड प्री रिक्वेस्ट्स। तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो मेनली कंसर्न है कि समाज के रिक्वायरमेंट क्या है, इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है समाज के लिए। कुछ ऐसे फंक्शनल अनिवार्य जो चीज़ें अनिवार्य हैं बहुत ज़्यादा या फंक्शनल जिन चीज़ों की आवश्यकता है या जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हैं। दीज रिफर टू द फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रॉडेस्ट कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर सिस्टम्स एग्जिस्टेंस एंड विल देयरफॉर कीप इट अलाइव एंड प्रिवेंट इट्स डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हम किस चीज़ को रिफर कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए और वही इसको जो है अलाइव रखेंगी और इसको खत्म होने से रोकेंगी। अब कौन कौन सी हैं, द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मेंबर्स, जो नए मेंबर्स हैं उनका एक तरह से समाजीकरण, अ शेयर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में जो एक कम्युनिकेशन है उसका एक शेयर्ड सिस्टम हो, मेथड ऑफ असाइनिंग इंडिविजुअल टू रोल्स और कुछ तरीके जिसे इंडिविजुअल्स को पता हो कि हमारे को क्या करना है। यू आर वेल अवेयर हाउ द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव रेस्ट अपॉन द अजम्पशन दैट डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी हैव अ फंक्शन और रोल टू प्ले फॉर द ब्रॉडर मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द होल सोसाइटी। अब तक आपको ये समझ में आ गया कि जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हैं वो इस अजम्पशन पर बेस्ड हैं कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं या जो ऑर्गन्स हैं सोसाइटी के उनका एक फंक्शन है, एक रोल है जिसको उनको प्ले करना है, तभी जो है मेंटेनेंस और फंक्शनिंग हो पाएगी पूरे समाज की। Seen from this perspective, cooperation, competition, and conflict can be seen as universal features of all societies, explained as the result of the inevitable interactions among humans living in society and pursuing their ends. अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो जो कॉपरेशन कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट है ये एक तरह से हम यूनिवर्सल फीचर मान सकते हैं हर समाज का, क्योंकि जो एक ह्यूमन बींग्स होते हैं जो रह रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर अपनी जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी खत्म हो जाएंगे। सिंस द फोकस इज ऑन सिस्टम सस्टेनेंस कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज लुक्ड एट विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इन मोस्ट केसेस दे टेंड टू गेट रिजॉल्व विदाउट टू मच डिस्ट्रेस एंड दैट दे मे इवन हेल्प सोसाइटी इन वेरियस वेज। अब
क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे है कि सिस्टम चलना चाहिए, तो जो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट है वो देखे जाते हैं कि इस समझ से देखे जाते हैं कि ज़्यादातर केसेस में वो सॉल्व हो जाते हैं बिना किसी बहुत ज़्यादा परेशानी के, और कई बार जो है वो समाज की मदद भी करते हैं अलग अलग तरीकों से। सोशियोलॉजिकल स्टडीज हैव ऑल्सो शोन हाउ नॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ सोशलाइजेशन ऑफन एंश्योर दैट अ पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर परसिस्ट इवन दो इट इज स्क्यूड विद द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन। जो सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं अभी हमें इससे ये पता चला है कि किस तरीके से जो नॉर्म्स हैं, जो पैटर्न है सोशलाइजेशन के, वो इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि एक पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करे, भले ही उसमें एक सेक्शन का हित बहुत ज़्यादा शामिल हो। इन अदर वर्ड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑपरेशन कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड नॉट ईजिली सेपरेबल। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो कोऑपरेशन कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ कोऑपरेशन में एंटेल कॉन्फ्लिक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन एनफोर्स्ड एंड वॉलंटरी कोऑपरेशन, लेट अस लुक एट द वेरी कॉन्टेंशियस इशू ऑफ वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी इन द नेटल फैमिली। अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कोऑपरेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म देता है, साथ ही साथ एक जबरदस्ती थोपा गया और अपनी मर्जी से किया गया जो कोऑपरेशन है, इसके बीच में अगर डिफरेंस को जानना है तो सबसे पहले हम एक ऐसा मुद्दा है जो काफी विवादास्पद है, विमेन राइट टू प्रॉपर्टी का, अपने ही नेटल फैमिली में यानी जिस परिवार को वो बिलोंग करती है। एक वन स्टडी वाज कंडक्टेड अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग नेटल प्रॉपर्टी। अभी एक जो है स्टडी जो है उसको कंडक्ट किया गया अलग अलग सेक्शंस में सोसाइटी के, इस चीज़ को समझने के लिए कि जो लड़की है उसका अपनी नेटल प्रॉपर्टी पे अगर वो हिस्सा मांगे तो कैसा एटीट्यूड होता है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन 41.7% इवोक द थीम ऑफ अ डॉटर्स लव एंड लव फॉर अ डॉटर व्हेन स्पीकिंग अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी। काफ़ी बड़ी संख्या में लेडीज ने यानी वुमेन जो है लगभग 41.7% जो होगी उन्होंने लड़की के प्यार की जो एक बात होती है उसको उठाया कि लड़की को जो है प्यार होना चाहिए, लड़की को सम्मान मिलना चाहिए जब भी उसके अधिकारों की बात करती है तब। लेकिन बट दे एम्फेसाइज एम्प्रिहेंशन रेदर देन अफेक्शन बाय सेइंग दैट दे वुड नॉट क्लेम फुल और एनी शेयर ऑफ नेटल प्रॉपर्टी बिकॉज दे वर अफ्रेड दिस वुड सार रिलेशंस विद देयर ब्रदर्स और कॉज देयर ब्रदर्स वाइव्स टू हेट देम एंड दैट एज अ रिजल्ट दे वुड नो लॉन्गर बी वेलकम इन देयर नेटल होम्स। लेकिन यहाँ पर वो जो है पूरे खुले तौर पे जो है इस चीज़ को नहीं कह सकती कि हमें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि उनको ये डर होता है कि कहीं इससे उनसे उस कारण उनके भाई से जो है इनके रिश्ते खराब हो जाएंगे, या हो सकता है भाई की जो वाइफ हैं वो इन लोगों से नफरत करने लग जाए, एज अ रिजल्ट जब भी वो घर जाएं तो उनको कोई वेलकम ना करे ढंग से। दिस एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द डोमिनेंट मेटाफर्स मीडिएटिंग वुमेन्स रिफ्यूजल ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो एटीट्यूड है ये दर्शाता है कि जो विमेन है वो क्यों प्रॉपर्टी जो है उसको नहीं लेती है। विमेन डिमांडिंग हर शेयर इज द ग्रीड इश्यू और हक लेने वाली। अगर विमेन जो है डिमांड करती है कि उसको जो है उसका हिस्सा चाहिए तो उसको जो है एक तरह से लालची समझा जाता है कि वो हक लेने आ गई। देयर वाज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन दीज फीलिंग्स एंड अपेरेंटली ऑब्जर्व वंस ऑफ द डिजायर टू कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ द नेटल फैमिली बाय एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स प्रोस्पेरिटी और बीइंग अवेलेबल टू डील विद इट्स क्राइसिस। एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है इन फीलिंग्स के बीच में और उनके बीच में जो एक इच्छा होती है कि हम अपने परिवार का एक हिस्सा बने रहें। कैसे हिस्सा बने रहें? कि जो उसकी संपन्नता है उसमें जो है अपना योगदान देते रहें और जब भी कोई परेशानी हो तो वहाँ पर उसको डील करने के लिए खड़े हों। एक्टिविटीज टू वुड एनेबल यू टू अप्रिशिएट हाउ अपेरेंटली कोऑपरेटिव बिहेवियर कैन ऑल्सो बी सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डीप कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी। अभी आपके बुक में जो एक्टिविटी टू दी है उससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से जो कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है यानी सहयोग करने वाला जो आपका बिहेवियर है वो एक तरह से बहुत गहरी मतभेद को भी जन्म देने वाला हो सकता है समाज के अंदर। But when these conflicts are not expressed openly or challenged, the impression remains that there is no conflict but only cooperation. जब ये जो conflicts हैं, मतभेद हैं, ये खुले तौर पे या चैलेंज तौर पे जो है दर्शाए नहीं जाते हैं तो सबके ऊपर impression क्या रहता है कि conflict नहीं है बल्कि एक तरह का सहयोग है। A functionalist view often refuses the term accommodation to explain situations such as the one described above where women would prefer not to claim property rights in their natal home. अब जो फंक्शनलिस्ट जो हैं उनका जो सोचना है, उनका जो नज़रिया है वो जो है इस टर्म एकोमोडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं कि जिस जो
सिचुएशंस हैं, जैसे कि अभी ऊपर बताई गई कि जो विमेन हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी राइट्स पे क्लेम नहीं करती हैं अपने नेटल होम में, इट वुड बी सीन एज एन एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज एंड को एग्जिस्ट डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट। ये एक तरह का हम देख सकते हैं कि ये एक तरह की कोशिश है कॉम्प्रोमाइज करने की और मतभेद होते हुए भी साथ में चलने की।